फ्रेंड्स, आई एम नेहा एंड वेलकम टू द टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ माय किचन। और आज हम आपके साथ बनाने जा रहे हैं दाल। दाल बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं और ये अरहर की दाल हम बनाने जा रहे हैं। तो अगर आपने देखा हो मेरा जो पिछला वीडियो था, उसमें दाल तड़का मैंने रेस्टोरेंट स्टाइल बनाया है। अगर नहीं चेक किया है तो प्लीज जरूर चेक करिएगा। तो उसमें हमने प्याज, लहसुन, टमाटर डाल के बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनाई है वो। और लेकिन आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो सिर्फ हींग जीरे का तड़का डाल के ही बनाएंगे। वो इसलिए कि भाई पानी बहुत जोर से बरस रहा था एंड आई वाज फीलिंग लेजी कि यार कुछ ना जल्दी से बन जाए, कि बस मेरे को ज्यादा हाथ पैर ना हिलाने पड़े। तो इसीलिए मैंने कहा दाल चावल बनाती हूँ गर्मा गर्म और जिसमें मेहनत बिल्कुल ना लगे। तो एग्जैक्टली, तो अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं या कहीं बाहर से आए और कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा है, तो ये झटपट तरीके से बनने वाली, 5 मिनट में बनने वाली दाल तड़का है, और सिर्फ हींग और जीरे के तड़के से। तो हम वेट किस चीज का कर रहे हैं, आइए देखते हैं कि दाल तड़का बनाने के लिए या अरहर की दाल बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। तो यहाँ पे हमने अरहर दाल ली हुई है और अरहर दाल को तुअर दाल भी बोलते हैं, तो वो वाली दाल हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर। और हमने तकरीबन यहाँ पे 6 मुट्ठी जो है दाल ली हुई है। और मेरा हिसाब बड़ा सिंपल है मुट्ठियों के हिसाब से, कि अगर एक बंदा है तो 2 मुट्ठी लेंगे हम, और जैसे मेरी फैमिली में 3 लोग थे तो मैंने 6 मुट्ठी ली। लेकिन अगर आप कप्स के हिसाब से करते हैं तो मैंने यहाँ पे 3/4 ली है। तो अगर आप सपोज करिए आप 5 लोगों के लिए बना रहे हैं दाल, तो आप 10 मुट्ठी दाल लीजिए और वो इनके लिए सफिशेंट होगी। तो ये हमने 3/4 कप या 6 मुट्ठी अरहर दाल ली हुई है और उसको हमने आधे घंटे अच्छे से भिगो लिया था। और हमेशा ध्यान रखें कि जो दाल होती है उसको पॉलिश की होती है, तो उस पर कुछ केमिकल डाला जाता है, कि पाउडर डाला जाता है, कि वो आपस में चिपके नहीं। तो प्लीज एंड प्लीज, आजकल जो बीमारियां हो रही हैं वो इसीलिए हो रही है क्योंकि हम पाउडर केमिकल्स काफी ज्यादा हमारी बॉडी में चला जाता है। तो आप दाल को तब तक धोएं जब तक आपको एकदम क्लियर पानी ना दिखने लगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर पानी है, तो तब तक धोते रहें। और जब क्लियर पानी आ जाए तो उसके बाद एटलीस्ट इसको 10 मिनट के लिए, कम से कम 10 मिनट के लिए, अगर ज्यादा है तो आप आधे घंटे के लिए भिगो के रखें, दाल बहुत अच्छी बनेगी। तो ये छोटी सी ट्रिक हमेशा याद रखिएगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं मसालों में ज्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल मसाले ही हमने ले रखे हैं। तो यहाँ पे है लाल मिर्च, जीरा, धनिया पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, नमक, हींग बहुत जरूरी है तो हींग रखिएगा, और देसी घी। भाई मजा तो दाल का देसी घी के साथ ही आता है। और ये लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च ली हुई है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, नहीं है तो नहीं डालिए। और यहाँ पे मैंने अदरक ली हुई है, ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है। बहुत ज्यादा लेजी फील कर रहे हैं तो ये दोनों चीजों को आप कट ऑफ कर सकते हैं। तो ये 2 इंच का टुकड़ा मैंने जो है इसको बारीक घिस लिया है। तो हमने प्रेशर कुकर में दाल डाल दी है, गैस हमने ऑन कर दी थी, तो ये आप जैसे कि देख सकते हैं दाल डाल दी है। तो पानी का हिसाब जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है दाल में। तो कभी कभार क्या होता है, हमारी जो दाल है या तो वो बहुत ज्यादा मशी हो जाएगी या रनी हो जाएगी, पानी ज्यादा हो जाएगा, या बहुत ज्यादा गाढ़ी हो गई या ओवर कुक हो गई। तो आज हम ट्रिक शेयर करेंगे कि ये सब चीजें ना हो, परफेक्ट दाल कैसी बनाई जाए, तो वील शेयर दैट। तो यहाँ पे हम पानी डाल देते हैं, और कितना पानी डालना है आई लेट यू नो दैट। तो जी हमने पानी डाल दिया है और एक हम छोटा सा टेस्ट करेंगे। तो जो दाल, जो पानी है, अगर आप दाल के ऊपर अपनी उंगली रखें तो दाल का जो दाल के ऊपर जो पानी है वो इतना होना चाहिए एटलीस्ट। तब हम टेस्ट करते हैं कि ये देखिए, हमने दाल के ऊपर अपनी उंगली रखी हुई थी और आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये पानी यहाँ तक जो है हमने डाला हुआ है, इतना आ गया, विच इज़ वेरी गुड। और इसमें हम डालते हैं हल्दी। तो हमने यहाँ पे आधी चम्मच हल्दी डाली हुई है दाल में, और जो है नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे, और इसमें हम डाल देंगे ग्रेटेड जिंजर। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपका मन नहीं कर रहा है इन सब चीजों को जिंजर डालने का तो ना डालें, लेकिन मुझे लगता है इससे फ्लेवर जो है बहुत बढ़िया आ जाता है। और हम जो है गैस बंद कर देते हैं, और उसके बाद फ्लेम को हम बिल्कुल हाई कर देंगे, और जैसे ही एक सीटी आएगी हम गैस को बिल्कुल लो करके 10 मिनट तक दाल को पकने देंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं एक सीटी आ चुकी थी यहाँ पे, और हमारी जो गैस का फ्लेम था वो बहुत हाई था, तो वो हमने बिल्कुल स्लो कर दिया है और एक सीटी के आते ही, और इसको हम तकरीबन 10 मिनट तक स्लो फ्लेम पे ऐसे ही पकने देंगे।
तो हमें कुछ नहीं करना है, हमारी दाल भीगी हुई थी और इसको हम 10 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे और जब 10 मिनट हो जाएंगे तो हम गैस बंद कर देंगे। तो हमें 10 मिनट हो चुके हैं और ये जो गैस है हम बंद कर देते हैं और हम जब तक इसका प्रेशर रिलीज नहीं हो जाता है अपने आप हम इसको तब तक कुकर को नहीं खोलेंगे क्योंकि इसके अंदर जो स्टीम होगी उससे जो हमारी दाल है वो अभी और अगर नहीं बननी होगी तो वो अच्छे से कुक हो जाएगी। तो प्लीज इसका प्रेशर ऐसे हाथ से उठा के रिलीज ना करें, तो जब तक अपने आप ये ठंडा नहीं हो जाता, रिलीज नहीं हो जाता तब तक हम कुकर नहीं खोलेंगे। तो हमारा जो ये प्रेशर आप देख सकते हैं ये रिलीज हो चुका है तो हम खोलते हैं कुकर को। तो अब जैसे कि देख सकते हैं जो हमारी दाल है उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बढ़िया है और ना ज़्यादा घुटी है और ना अंडर डन है, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे हमें चाहिए थी बिल्कुल वैसी बनी है। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 1.5 बड़ा चम्मच जो है देसी घी लिया हुआ है। आप चाहें तो वेजिटेबल ऑयल में भी तड़का लगा सकते हैं लेकिन जब हींग जीरे का तड़का लगा रहे होते हैं तो देसी घी का जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो ये हमारा जो घी है ये गर्म हो चुका है और इसमें हम डाल देते हैं अपनी सूखी लाल मिर्च, तो इनको हम तोड़ देते हैं और ये हम डाल देते हैं इसके अंदर और इसके साथ साथ हम डाल देते हैं 1 चम्मच अपना जीरा, इसमें डाल देते हैं हम थोड़ी सी हींग और साथ के साथ हम इसमें डाल देते हैं 1/4 चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच गरम मसाला और यहाँ पे हमने ली हुई 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। और कश्मीरी लाल मिर्च डालने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारा पहला जीरा तड़क जाए उसके बाद ही हम डालेंगे, वरना अगर पहले हम डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च तो जो मिर्ची है वो जल जाएगी, उसका जला हुआ टेस्ट आएगा। तो हम गैस थोड़ी सी तेज कर देते हैं तो आप जैसे कि देख सकते हैं हमारा जो जीरा है वो तड़कने लग गया है और ये हम कर देते हैं गैस बंद और साथ ही साथ इसमें हम डाल देते हैं ये अपना कश्मीरी लाल मिर्च और ये जो हमारा कुकर है इसे हम ले आते हैं और इसमें हम डाल देते हैं ये अपना तड़का। वाह जी वाह, और भाई देशी घी का तड़का लगाया है, थोड़ी सी दाल लेके इसमें डाल देते हैं, भाई कुछ वेस्ट नहीं होना चाहिए। वाह जी वाह, क्या खुशबू आ रही है और आप जैसे कि देख सकते हैं दाल, वाह जी वाह बहुत ही बढ़िया। और इसमें जो है हम कोरिएंडर डाल के इसको सर्व कर देते हैं और साथ ही साथ अगर आपको पसंद हो तो मैं कभी कभार क्या करती हूँ इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा लेमन जूस, तो उससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो ये तैयार हो गई हमारी दाल तड़का 5 मिनट में बनने वाली। हमारी जो दाल तड़का है वो तैयार हो चुकी थी तो ज्यादा टाइम नहीं लगा, तो बनाने से लेके तड़का लगाने से सिर्फ 10 मिनट ज्यादा नहीं, तो क्योंकि इसमें हमें ना प्याज काटना है ना टमाटर काटना है, कुछ भी नहीं काटना है, सिर्फ देशी घी में हींग जीरे का तड़का लगाना है। और जो है ये क्या सोंधी सोंधी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैंने ऊपर से जो है थोड़ा सा तड़का और लगा दिया था और इसमें मैंने डाल दिया हरा धनिया। तो जो दाल है आप रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन रोटी और चावल के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो और मुझे दाल चावल है सिंपल, ये दाल और ये चावल और साथ में अगर जो बैंगन फ्राई होता है आई जस्ट लव इट। तो थोड़ी सी दाल डाली, चावल डाला एंड बैंगन फ्राई, आई जस्ट लव इट। अगर आपको रेसिपी देखनी हो तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं और उसको मिक्स करिए और हाथ से खाइए, क्या कहने, वाह जी वाह। तो अब हम पहले टेस्ट कर लेते हैं, हम वेट किस चीज़ का कर रहे हैं। और ये जो दाल है बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है, आहा हा ये देखिए, मज़ेदार, मज़ा आ गया जी। तो हम वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, अगर खाना बनाने का ज़्यादा मन नहीं कर रहा है, मेहनत करने का मन नहीं कर रहा है तो सिंपल दाल चावल बनाइए और फैमिली को खुश कर दीजिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो
प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो अगर मैं आगे वीडियोज डालती हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा, और इसी तरह से आप मेरी कोई भी वीडियोज मिस नहीं करेंगे. और प्लीज डोंट फर्गेट टू पुट योर कॉमेंट्स बिलो. आई लव रीडिंग देम. कीप देम कमिंग. थैंक्स. बाय.